उधम सिंह नगर जिले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एसपी काशीपुर को सूचना मिल रही थी कि रात्रि में तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। सूचना पर देर रात एसपी अभय प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया तो थाना आईटीआई में नाइट में तैनात दरोगा और 2 सिपाही नदारद पाए गए। इसके अलावा डायल 112 में तैनात 2 सिपाही भी ड्यूटी से नदारद पाए गए। जब एसपी ने सभी की लोकेशन मांगी तो कर्मचारियों ने झूठी लोकेशन दी, जिसके बाद एसपी की रिपोर्ट पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने थाने में तैनात दरोगा प्रकाश विश्वकर्मा, चालक प्रकाश हामराह जगदीश पाठक और 112 वाहन में तैनात सिपाही ललित कुमार भरत बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, हम बारी बारी से हम लगातार क्राइम मीटिंग्स में और सम्मेलनों में लगातार बताते रहते हैं कि ड्यूटी में लापरवाही कदाई बरसा नहीं जाएगा। तो विशेष रूप से पिछले हफ्ता मैंने एक बार ट्रैवल किया था औचक रूप से, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ कुछ ड्यूटियाँ जो है रोड पर विजिबिलिटी कम हुआ है। तो इसी के क्रम में कल जो है एसपी काशीपुर ने औचक रूप से चेकिंग किया। औचक रूप में जब चेकिंग किया तो हैरतन चीज़ें सामने आई, जहाँ आईटीआई थाना में तैनात नाइट ऑफिसर, आईटीआई थाना की नाइट ऑफिसर और साथ के हमरा कर्मचारी और ड्राइवर, और उसके अलावा 112 की गाड़ी जो आईटीआई और काशीपुर क्षेत्र में चलता है, वो दोनों गाड़ियाँ ड्यूटी से नदारद रहे। और आईआईएम की हॉस्टल में, आईआईएम की एक पुराना हॉस्टल बिल्डिंग है वहाँ, उनकी कैंपस में वहाँ दोनों गाड़ियाँ पार्क थी और 500 कर्मचारियाँ जो है एक रूम में बैठे हुए थे और झूठे लोकेशन दे रहे थे। एसपी काशीपुर द्वारा 2-3 बार लगातार पूछा गया 15 मिनट के अंतराल में, तब भी वो वहीं से बैठ के झूठे लोकेशन दे रहे थे। और ये चीज़ रंगे हाथ पकड़ा गया और मेरे जानकारी में आते ही मैंने इन 500 कर्मचारियों को तत्काल निलंबन किया गया है और इनके ऊपर कठोर से कठोर एक्शन हम लेंगे। पुनः मेरा ये फोर्स के लिए निर्देश है कि रात्रि ड्यूटी हो और ड्यूटी हो, जो ड्यूटी आवंटित किया जाता है उसको शिद्दत से करना है। उस दौरान कोई प्रॉब्लम होता है तो हम खड़े हैं, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही करना और घोर अनुशासनहीनता करना, नदारद रहना, तो हम कभी भी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इस पर सख्त एक्शन हम लेंगे।